नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। दुधवा नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं यहां पर सफारी और आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग होने वाला है और आपको लाइव अनुभव होगा इस सफारी का। आपको घर बैठे ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ ही सफारी कर रहे हैं और सफारी के बाद हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप दुधवा नेशनल पार्क के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह से सफारी टिकट बुक कर सकते हैं, यहां पर रुकने की कैसी सुविधा है और फूड फैसिलिटीज़ किस तरह की अवेलेबल हैं, कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं दुधवा नेशनल पार्क। तो अब हमारी सफारी कुछ ही देर में चालू होने वाली है। हमारे साथ गाइड सर आ चुके हैं और ड्राइवर सर भी साथ में, और हमारे साथ कुछ और फैमिली मेंबर्स हैं जो कि सफारी को एंजॉय करने वाले हैं। दुधवा के लिए काफ़ी सारे और भी पर्यटक आ चुके हैं जो कि अब धीरे धीरे कर सफारी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमारे सामने आप देख पाएंगे दुधवा नेशनल पार्क का ये एंट्री गेट है, मुख्य एंट्री गेट है जहाँ से हम प्रवेश करेंगे दुधवा नेशनल पार्क में सफारी के लिए। और यहाँ पर टिकट वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद यहाँ से पार्क में एंट्री की जाती है। तब हम प्रवेश हो चुके हैं दुधवा नेशनल पार्क के अंदर और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है। हमारे सामने कुछ और जिप्सीज भी जाते हुए नज़र आ रही हैं और कुछ सूखे हुए पत्ते हैं जो कि सड़क के किनारे नज़र आ रहे हैं। मैं सर दुधवा नेशनल पार्क का नेचर गाइड ब्रजेंद्र कुमार। सर यहाँ सर 5 केट फैमिली के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे बंगाल रॉयल टाइगर, लेपर्ड, लेपर्ड केट, फिशिंग केट, जंगल केट सर। और यहाँ सर 5 प्रकार के सर डियर पाए जाते हैं, स्पॉटेड डियर, सोम डियर, सांभर, होक डियर, बर्किंग डियर सर। 450 प्रकार के सर बर्ड पाए जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में एक खास बात कि यहाँ पर गेंडे भी हैं और गेंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 46 गेंडे हैं, यानी कि जो राइनोज हैं वो 46 के लगभग काउंटिंग बताई जा रही है। और अभी गेंडे ओपन जंगल में नहीं हैं, लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफिक एरिया बनाया गया है जो कि 27 किलोमीटर का एरिया है, 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर की ये सारे गेंडे हैं। और उसके लिए एक स्पेशल सफारी होती है, वैसे जीप सफारी भी की जा सकती है उसके अंदर एक एडिशनल चार्ज देकर। वो चार्जेस क्या हैं मैं आपके साथ क्लियर करूँगा, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट सफारी से भी हम राइनोज को देख सकते हैं। मतलब एलिफेंट के ऊपर राइड करके हम राइनो की सफारी कर सकते हैं। जो एलिफेंट का चार्ज है एलिफेंट सफारी का वो है 4000 रुपीस पर सफारी का, और जिसमें कि 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर आप एक भी बैठते हैं तो भी 4000, अगर 4 व्यक्ति बैठते हैं तो भी 4000 रुपीस का चार्ज होता है। तो काफ़ी एक्साइटिंग है दुधवा नेशनल पार्क, बिकॉज टाइगर के अलावा भी राइनोज भी देख सकते हैं। जैसे कि हम आसाम में कांजीरंगा नेशनल पार्क में जो गेंडे देखते हैं वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो दैट्स द यूनिक थिंग अबाउट दुधवा नेशनल पार्क। तो चलिए देखते हैं इस जंगल में और क्या क्या हम देख पाते हैं। काजीरंगा आसाम से लाए गए थे सर गेंडे, 1984 में सर जी, और मतलब शिफ्ट किया गया था जी सर। तो अभी ये स्टार्टिंग हो रही है एक जानवर के साथ जो कि है स्पॉटेड डियर, जिसे हिंदी में चीतल भी कहा जाता है। अभी चीतल के साथ इसका फाउंड भी है, यानी कि इसका बच्चा, जो कि दूर नज़र आ रहे हैं थोड़ा सा, हम इसको काफ़ी जूम पे देख रहे थे। जंगल फाउल यानी कि जंगली मुर्गा जो कि जस्ट रोड पर ही नज़र आ रहा है, और थोड़ा और पास से देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये एक नॉर्मल मुर्गे जैसे ही है, लेकिन जंगल में रहने की वजह से एक जंगल फाउल है। अभी इस पेड़ पर जो हम स्क्रैचेस देख रहे हैं ये है टाइगर क्लो मार्क्स, यानी कि टाइगर इस तरह से टेरिटरी मार्किंग करता है। दो तरीके से टाइगर टेरिटरी मार्क करता है, एक तो टाइगर अपने यूरिन से, यूरिन स्प्रे कर करके अपनी टेरिटरी मार्क करता है, और दूसरा इस तरह के जो पंजे हैं, ये आप पंजे देख पा रहे होंगे, इन पंजों को मार्क करके भी वो अपनी टेरिटरी मार्क करता है। तो ये टाइगर का एरिया है जिसमें हम चल रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हमें टाइगर नज़र आए। तो चलिए अब जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क में नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं। सर कितने टाइगर हैं? 107 हैं सर। 107 टाइगर्स हैं सर पूरे जंगल के अंदर जी सर, और बफर कोड सभी मिला करके जी सर। सामने की ओर एक वाइल्ड एलिफेंट नज़र आ रहा है, हम काफ़ी दूर से देख रहे हैं फिलहाल इसे, और दुधवा के अंदर काफ़ी सारे वाइल्ड एलिफेंट हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे करके उसके पास बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो ये एलिफेंट देख रहे हैं हम, इतना ज़्यादा दूर हैं, हमने यहाँ देखा ये एलिफेंट, इसी के पास हम जाते जा रहे हैं। अब हम सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं हाथी को देखने वाले हैं, और हाथी अक्सर ग्रुप्स में होते हैं तो ग्रुप्स में हाथी देखेंगे। वैसे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, बिकॉज हाथी से बहुत ज़्यादा फियर रहता है, बहुत डर रहता है, क्योंकि टाइगर भी इतना जल्दी अटैक नहीं करता, लेकिन हाथी अगर गुस्से में आ गया
तो पूरी जिप्सी पलटाने की भी पावर उसमें होती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हाथी के और करीब जाएं। वहाँ है हाथी पीछे, हाथी थोड़ा सा दूर है हमसे, हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर ही रख रहे हैं क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट्स काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। इस वजह से इस रूट पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे उस हाथी के और ज़्यादा पास। वैसे हाथी ये जो है मेल हाथी है, इसके बाहर टस्क भी नज़र आ रहे हैं और इस हाथी के आसपास कुछ ग्रुप भी हो सकता है, और भी हाथी हो सकते हैं, लेकिन ये जो वन वे है रास्ता बहुत ही छोटा रास्ता है और जिप्सी पलटाने की वहाँ पर जगह नज़र नहीं आ रही, तो ये रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि हम हाथी के और करीब जाएं। इसलिए थोड़ा दूर से ही उसे देखकर हम दूसरे रास्ते को अब मुड़ जाएंगे। दुधवा नेशनल पार्क में काफ़ी बड़े बड़े ग्रासलैंड एरियाज़ भी हैं और जो घास की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है जानवरों को फाइंड करना, बिकॉज जो घास की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप मेरी हाइट के अंदाज़े से भी लगा सकते हैं कि अभी हम गाड़ी में चल रहे हैं और गाड़ी की हाइट के लगभग इसकी घास की हाइट है, तो अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल इस घास के पीछे होगा तो इजीली दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिस तरह से ये ओपन ग्राउंड आ जाता है, तो ओपन ग्राउंड में इजीली कोई भी वाइल्ड एनिमल दिखाई दे जाता है, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर अगर घास ज़्यादा है तो वाइल्ड एनिमल अगर बैठा भी होगा तो नज़र नहीं आ पाता, लेकिन जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है और एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से जो आपको ग्रीनरी नज़र आएगी कभी भी आप आएँ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रहेगी। अभी जो इस महीने में हम सफारी कर रहे हैं, ये महीना है जून का, और जून महीने में अगर राजस्थान की बात करी जाए तो वहाँ बिल्कुल सूखा होता है और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर ठंड लग रही है एक तरह से, और सुबह सुबह की सफारी के दौरान तो काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट है। अब हम सफारी के दौरान एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सलूकापुर, और यहाँ पर है राइनो एनक्लोज़र, यानी कि जो गेंडे हैं दुधवा नेशनल पार्क में जो हम देख सकते हैं 46 गेंडे हैं, और वो जो हम देख सकते हैं वो हाथियों के ऊपर सफारी करते हुए देख सकते हैं। इसका चार्ज अलग से लगता है, एक हाथी के ऊपर चार व्यक्ति बैठ सकते हैं और चार व्यक्तियों का जो कॉस्ट आता है वो 4,000 रुपीज़ आता है। ये एक घंटे की एडिशनल सफारी होती है, मतलब आप 2 घंटे तो जिप्सी सफारी करके आते हैं और फिर उसके जिप्सी सफारी के अलावा जो 4,000 रुपये आप देते हैं उसमें आप एलिफेंट सफारी कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि हाथियों के ऊपर आप जाएंगे ऐसे दलदली इलाके में जहाँ पर गेंडे हैं, तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आप चाहें तो एलिफेंट सफारी भी ट्राई कर सकते हैं। सुबह सुबह तो हाथियों से जाया जाता है और शाम के समय जिप्सी भी अंदर जाती है, और जिप्सी का जो कॉस्ट लगता है सफारी के अलावा 700 रुपीज़ पर पर्सन का एडिशनल कॉस्ट लगता है। दुधवा के अंदर ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप हाथियों के साथ इस तरह से उन्हें टच कर सकते हैं, दोनों हाथी इनके ऊपर सफारी कर सकते हैं, हाथी के साथ इस तरह से फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ये मुझे बहुत यूनिक एक्सपीरियंस लगा, और इनके ऊपर सफारी करते हुए गेंडे देखना ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि आप दुधवा में कर सकते हैं। आप भी दे दीजिए, आप भी दे इस वक्त हम लोग जिस प्लेस पर आए हैं, यहाँ पर ये एक राइनो इनक्लोजर प्लेस कुछ बताया गया है, और यहाँ पर दो हाथी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, एक का नाम है चमेली और एक है सुलोचना, उनके साथ हम लोगों ने अभी फोटो खिंचाई, उनको छू के देखा जिंदगी में पहली बार, और हमारे उनके साथ दो महावत भैया, आप लोग अपने नाम बताइए, इश्तियाक है और आप मनोहर लाल है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अच्छा ऐसा भी हो, एक मिनट, ये इस तरह से हाथी आशीर्वाद भी देता है यहाँ पे, अगर आप कराना चाहें ऐसा कुछ तो बहुत अच्छे फैमिलियर हाथी है, बिल्कुल बहुत अच्छा, हाथ भी अच्छा, शेक हैंड इस तरह से शेक हैंड भी करता है हाथी। अच्छा कर्नाटक से आए थे, ये इरशाद अली महावत, इन्होंने ट्रेंड किया इसको। ओ महावत ने ट्रेंड किया सब, जी इरशाद अली महावत सीनियर महावत यहाँ के हैं। अच्छा उन्होंने इस हाथी को ट्रेंड किया है, आशीर्वाद देता है, अच्छा आता है, बाकी और भी सब काम करता है। अरे वाह, ए जैसे हाथ आप बोलो एक बार, हाथ मिलाएं, ठीक है ये हाथ, इसे हाथ भी मिलवा सकते हैं आप, और ये मेल है ना, ये वाला तो मेल बच्चा है ना, बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। राइनो इनक्लोजर के बाहर आपको काफ़ी सारे हाथी नजर आएंगे। अभी तो एक बेबी एलिफेंट है हमारे साथ, छोटा सा है बिल्कुल, और इसी के साथ बाहर की तरफ देखेंगे तो और भी कई सारे हाथी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं एक साथ। ये सभी वो हाथी हैं जो कि अंदर राइनो एरिया में ले जाए जाते हैं सफारी करने के लिए। यहाँ पर जो राइनो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी वो 1984 में हुई थी, जब 7 राइनो यहाँ पर शिफ्ट किए गए थे, और फिर बढ़ते बढ़ते अब उनकी संख्या 46 हो गई है। लेकिन पहले शिफ्टिंग की गई थी आसाम साइड से, जहाँ पर कांजीरंगा नेशनल पार्क है। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उस एरिया से जहाँ पर राइनोज नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं वहाँ से शिफ्ट किए गए, और यहाँ पर एक 27 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया बनाया गया है जिसके अंदर इन राइनोज को रखा जाता है, और वहाँ पर इनकी संख्या बढ़ते हुए काफ़ी अच्छी हो गई है और इन सभी हाथियों के ऊपर सफारी की जाती है। इसी एरिया में वॉशरूम भी बने हुए हैं, तो अगर आप सफारी के दौरान वॉशरूम को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब सफारी के दौरान हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जो कि है राइनो एनक्लोज़र। यहाँ से राइनो के लिए सफारी की जाती है एलिफेंट पर बैठकर, इसे वैसे एलिफेंट सफारी बोलेंगे, लेकिन राइनोज यानी कि गेंडे अंदर की तरफ है इस एनक्लोज़र में, और ये एनक्लोज़र 27 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। और अब इन हाथियों पर बैठकर सभी टूरिस्ट जा रहे हैं सफारी के लिए। इस डोर को खोला जा रहा है और अब यहाँ से इनकी सफारी स्टार्ट होगी, जिसका ड्यूरेशन है लगभग 1 घंटे का। और अंदर जो इलाका है वो दलदली इलाका है, और दलदल वाले इलाके में ही गेंडे रहना पसंद करते हैं। और आप यहाँ देख पाएंगे इस बाउंड्री, ये जो फेंसिंग करी हुई है, यहाँ पर बारीक बारीक से तार आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये बारीक जो तार हैं इसके अंदर DC करंट सप्लाई है, यानी कि इसमें बिजली का करंट सप्लाई होता है ताकि कोई भी इसके अंदर बिना परमिशन के अंदर ना जा सके। और इस फेंसिंग का एक और काम ये है कि गेंडे इस फेंसिंग से बाहर ना आ सकें, और कोई व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर ना जा सके, इस वजह से प्रोटेक्शन पर्पस के लिए इस फेंसिंग को लगाया गया है। तो दुधवा नेशनल पार्क में आज हम सफारी अकेले ही नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ और टूरिस्ट हैं जो कि सफारी को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस पहली बार है या फिर वो पहले भी आए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो नमस्ते सर, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद हफीज खान है जी, और हम डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से हैं। जो आप यूपी से हैं? या जी यूपी डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से हैं जी, और इसके बारे में काफ़ी हमने सुन रखा था जी जी, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टाइम है, और टाइम सफारी भी पहली बार है, तो फर्स्ट टाइम काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं। आप तो बहुत एक्साइटेड होंगे इसको लेकर। मैम आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम शहनाज फातिमा है, मैं केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक टीचर हूँ, और ये मेरी भी फर्स्ट सफारी है। बहुत दिनों से हम लोग समर वेकेशन पर कहीं आना चाह रहे थे, तो सोचा क्यों ना इस बार जंगल सफारी की जाए, और बहुत अच्छा लग रहा है इस लश ग्रीन माहौल में आकर के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों को पहला रास्ते में सफारी होती है तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा रहता है, और मैं अपने बेटे के लिए को लेकर बहुत खुश हूँ, और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप सेफ फील कर रहे हैं सफारी के दौरान? यस ऑफ कोर्स, सेफ फील कर रहे हैं। अभी जो हम पक्षी देख रहे हैं ये बड़ा वाला, इसका नाम है ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, और एक बगुले प्रजाति का ये पक्षी है, लेकिन काफ़ी बड़ी साइज़ का है, और साथ में वाइट कलर का बगुला भी नज़र आ रहा है, ईग्रेट। अभी हम जंगल में सफारी करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर टाइगर के पग मार्क्स नज़र आ रहे हैं, तो टाइगर कुछ इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए गया है। सर ये पेड़ कौन सा है? ये असना का है, इसका दूसरा नाम क्रोकोडाइल स्किन बैक्टीरिया भी है। ये क्रोकोडाइल, इसकी जो त्वचा है क्रोकोडाइल से मिलती है, त्वचा इसी की मिलती है, सेफ भी वही है। हाँ, ये साल का ही प्रजाति का है। तो चलिए अब जानते हैं कि सफारी ट्रिप हमारा कितने किलोमीटर का हो जाता है, कि हम जंगल में कितना किलोमीटर कवर करते हैं। सर थोड़ा सा बताइएगा। सर हम लोग जो है 40 से 45 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, अप डाउन दोनों होता है, राउंड फिगर में होता है, पूरा राउंड फिगर में, लगभग 20 जाना 20 आना, हाँ इतना मान लीजिए जी। तो मैं आपको सफारी टाइमिंग क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप दुधवा में सफारी करना चाहते हैं तो जो सफारी टाइमिंग है यहाँ का वो लगभग 3-3.5 घंटे का होता है, और जो गर्मियों का सीज़न है और सर्दियों का सीज़न है उसके हिसाब से थोड़ा टाइमिंग बदलता भी रहता है।
अभी हम गर्मियों में सफारी कर रहे हैं, तो गर्मियों में सफारी करने का जो सुबह का टाइम है वो सुबह लगभग 5:30 बजे से चालू हो जाता है और 9:30 बजे तक ये सफारी चलती है। लेकिन अगर आप यही सफारी सर्दियों में करते हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाता है, लगभग 6:30-7 बजे से ये सफारी चलती है और उसके हिसाब से इसका टाइमिंग होता है। लेकिन और यहाँ पर अगर गर्मी में अगर आप दोपहर की सफारी करना चाहते हैं, यानी कि शाम की सफारी करना चाहते हैं, तो इसका जो टाइमिंग है वो लगभग 3:30 से 6:30 बजे तक रहता है। और यहाँ पर सफारी में आपको शेयरिंग भी मिल जाती है, ऑफलाइन टिकट तो अवेलेबल है ही सही, लेकिन आपको सफारी में शेयरिंग भी मिल जाती है। अगर आप 2 जने आए हैं 3 जने आए हैं तो आप दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे टूरिस्ट के साथ यहाँ पर शेयर करके अपने जो जिप्सी है वो उसके बुक कर सकते हैं। इससे आपको ये जो टिकट है और ज़्यादा किफ़ायती दाम पर मिल जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क में मोस्टली साल और सागवान दो तरह के, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो दो तरह का मोस्टली है, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं वो साल के पेड़ हैं, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। ये सारे के सारे जो पेड़ हैं ये सभी साल के पेड़ हैं, और सागवान यहाँ का सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जो ट्री है वो है सागवान। और भी कई सारे वेजिटेशन पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड काफ़ी सारे हैं, और भी कई सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन ये दो मोस्ट हैं जो कि हैं साल और सागवान। जो हमारे साइड में लगी हुई ये आपको केले के पत्ते जैसे ये देख रहे हैं पेड़, ये दरअसल होती है आंबा हल्दी, ये जंगली हल्दी होती है और ये नेचुरल यहाँ पर निकलती है, और इसको जो है जंगली जानवर ही खाते हैं खोद के, जैसे वाइल्ड बोर वगैरह। जंगल में बीच बीच में इस तरह से जिप्सीज भी आती रहती हैं अलग अलग रोड से, तो उनसे भी हम जानकारी ले सकते हैं कि किसी डायरेक्शन में अगर साइटिंग हुई है तो हम उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये सभी ग्रीन पिजन है ना। अब हम दुधवा नेशनल पार्क के एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पर चल रहे हैं जहाँ पर कुछ वाटर सोर्सेज भी हैं और काफ़ी लश ग्रीन माहौल है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पानी और एक छोटा सा ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है। बारिश के टाइम यानी कि मॉनसून में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है। अभी जो ये चबूतरे नुमा आकृति हमें नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में एक वेल है, यानी कि एक कुआ है जो कि ब्रिटिश ज़माने में बनाया गया था, और एक छोटा सा वॉच टावर टाइप का बना दिया गया है ताकि अगर फॉरेस्ट गार्ड कुछ निगरानी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जब हम सफारी करने आते हैं तो ये एक जंगल होता है जो कि टोटली ओपन होता है। यहाँ पर कोई भी वाइल्ड एनिमल की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती कि हम पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएं और उस पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल को देख लें, ऐसा नहीं होता। जंगली जानवर कहीं पर भी किसी भी कोने पर हो सकता है इस जंगल में, तो हमें जंगल में जब हम आते हैं तो हमारा ये टास्क होता है कि हम जंगली जानवर को ढूंढें और फिर देखें। ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन वाली बात नहीं है कि कई बार हमको नहीं दिख पाता, हम निराश हो जाते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट एक्साइटमेंट बनाता है जंगल सफारी, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे लोकेशन पता नहीं, आपको एक गेम है एक तरह का कि उसमें आपको ढूंढना है और देखना है। तो दुधवा नेशनल पार्क की सफारी करते हुए अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जिसका नाम है बांके ताल, और यहाँ पर हम सफारी गाड़ियों से नीचे उतर सकते हैं। जंगल में कहीं पर भी ऐसे नॉर्मली उतरना अलाउड नहीं होता, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बने होते हैं जैसे कि ये बांके ताल, और यहाँ पर उतरना अलाउड है। और यहाँ पर एक बहुत ऊँचा सा मचान टाइप का बना हुआ है, यहाँ ऊपर चढ़कर हम जंगल का बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और खूबसूरत नज़ारे को भी इंजॉय करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मचान के टॉप मोस्ट व्यू पॉइंट पर। यहां से बहुत दूर तक के ग्रासलैंड एरिया नजर आते हैं। यहां दूर 12 सिंगा नजर आ रहे हैं, काफी दूर है वैसे, सूखी घास के साइड में 12 सिंगा, जिन्हें स्वाम्प डियर भी कहा जाता है। तो आज हमारी सफारी के दौरान जो गाइड सर हैं और जो ड्राइवर सर हैं, दोनों के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम सर? मोहम्मद अनीश। आप हमारे साथ आज फिलहाल तो ड्राइवर हैं। जी जी। पर फिर भी ड्राइवर के से ज़्यादा तो ये आज हमारे साथ गाइड की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो गाइड सर हैं, सर आपका नाम? बिजेंद्र कुमार। बिजेंद्र कुमार सर हैं जो कि हमारे साथ गाइड हैं दुधवा नेशनल पार्क की सफारी के लिए। और अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जो कि एक चौराहा है जंगल के बीच में। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट जाता हुआ एक रास्ता, ये दूसरी साइड देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर भी रास्ता है, एक रास्ता यहाँ है और एक हमारे पीछे है जहाँ से हम आए हैं। तो अभी हम कुल मिलाकर एक चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ से जंगल की आवाज़ों को सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइलेंट होऊंगा, आप जंगलों की आवाज़ों को महसूस कर सकते हैं।
दुधवा नेशनल पार्क के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर, कि दुधवा नेशनल पार्क है तो बहुत खूबसूरत और ये तराई का जंगल है जो कि हमेशा बहुत ग्रीन रहता है। अभी जून का महीना है और उस टाइम पर भी ये इतना ज़्यादा ग्रीन है और इसमें इतनी सारी झाड़ियाँ, इतने सारे ग्रीन पेड़ पौधे ऊपर तक हैं कि यहाँ जंगल जानवर अगर रोड पे नहीं आते या फिर थोड़ा सा साइड में नहीं रहते तो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे पाते। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जंगली जानवर वहाँ पर बैठा हुआ है और बीच में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं तो वो ऑब्वियसली हमें दिखाई नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही अगर जंगली जानवर का मूवमेंट रोड की तरफ होगा या ग्रासलैंड एरिया की तरफ होगा तो हमें बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की कोई कमी नहीं है, अच्छे से अगर साइटिंग होती है तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन कई बार ड्यू टू बैड लक बोल सकते हैं या फिर आपका चांस नहीं हुआ तो उस वजह से कुछ नहीं दिखा पाते हैं, कुछ जंगली जानवर हम नहीं देख पाते, तो उस टाइम पे निराश ना हो क्योंकि जंगल बहुत खूबसूरत है। अगर आप आते भी हैं तो इस खूबसूरत वातावरण को देखकर, यहाँ की जो फ्रेश एयर है उसको लेकर आप बहुत खुश हो सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क में मोस्टली आप रोड के किनारे देखेंगे तो आपको मीठे नीम के काफ़ी सारे पौधे नजर आएंगे। मीठा नीम वो जो हम सब्जी बनाने में, घरों में उपयोग में लेते हैं, जिसको कड़ी पत्ता हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में नज़र आएगा। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क से जो रेलवे लाइन गई हुई है बहराइच, मैलानी टू बहराइच, मुझे लगता है इसी साइड में एक छोटी लाइन बची है, बाकी हर जगह बड़ी लाइन हो चुकी है और आगे चल के ये हो सकता है हट जाए। तो चलिए अब जानते हैं लोकेशन के बारे में कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। दुधवा नेशनल पार्क है यूपी के अंदर और यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लखीमपुर खीरी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये पड़ता है। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कि कैसे आप पहुंच सकते हैं, मैं आपको दिल्ली से रूट बताऊंगा। अगर आप दिल्ली से यहाँ आना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बसेस अवेलेबल होती हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। जब आप दिल्ली से बस लेंगे तो दिल्ली से आपको बस मिलेगी आनंद विहार से, और आनंद विहार से आपको आना है पलिया कला, और पलिया कला से जो दुधवा नेशनल पार्क का मेन ऑफिस है यानी कि जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है उसका डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर का। और वो 10 किलोमीटर आप बाय कैब पार कर सकते हैं या फिर बस भी आती है तो बस से भी आ सकते हैं। और ये जो दुधवा नेशनल पार्क का जो मेन ऑफिस है जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है, ये गौरी फंटा नाम का एक प्लेस है जो कि पलिया कला से लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहाँ से नेपाल बॉर्डर लग जाती है, उस रास्ते के बीच में ही पड़ता है, लेकिन पलिया कला से इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है गौरी फंटा रोड पर। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं बड़ी आसानी से, सुविधा बहुत अच्छी है, रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर स्टे फैसिलिटी की बात करें कि अगर आप दुधवा नेशनल पार्क में सफारी करना चाहते हैं और यहाँ रुकना भी चाहते हैं तो कहाँ कहाँ रुक सकते हैं? वैसे अगर आप दुधवा में ही रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, लेकिन उनका चार्ज लगभग 7,000 से लेकर 8,000 रुपये के लगभग पड़ता है। तो ये अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप पलिया कला जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है वहाँ पर भी रुक सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सस्ते में 500 से 1,000 रुपये के अंदर रूम मिल जाएगा और वहाँ पर काफ़ी ढाबे और होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन बस आपको ये 10 किलोमीटर का फासला पार करना होता है। और यहाँ पर अगर आप सुबह सुबह की सफारी के लिए भी आना चाहते हैं तो ई रिक्शा चलते हैं, कुछ बसेस भी चलती हैं, तो बड़ी आसानी से आप ई रिक्शा से भी सुबह सुबह सफारी के लिए यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त हो चुका है, जिस गेट से हमने प्रवेश किया था अब उसी गेट से हम बाहर की ओर निकास करेंगे। दुधवा नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले हमें टिकट बुक करना पड़ता है। टिकट दो तरह से बुक किया जा सकता है, एक ऑनलाइन और एक दूसरा ऑफलाइन भी तरीका है। यहाँ पर विंडो पर आकर हम ऑफलाइन टिकट पे बुक कर सकते हैं। जो ऑनलाइन टिकट बुक किया जाता है वो यूपी इको टूरिज्म वेबसाइट है उससे किया जा सकता है, और जो ऑफलाइन जो टिकट हम बुक कर सकते हैं वो दुधवा नेशनल पार्क के मेन ऑफिस से कर सकते हैं। ये है मेन ऑफिस दुधवा नेशनल पार्क का और कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑफलाइन टिकट भी अवेलेबल होता है। दुधवा में सफारी करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप एक व्यक्ति हैं तो आपका चार्ज लगेगा 3,483 रुपीज़, अगर आप दो आते हैं तो 3,783, और इसी तरह से अगर 6 पर्संस हैं तो 4,983 रुपीज़ का चार्ज लगता है, और अगर गाड़ी बड़ी होती है तो उसके चार्जेस कुछ अलग हो जाते हैं। ये थोड़ा जिप्सी है और ये उससे थोड़ी बड़ी वाली जिप्सी होती है, उसके हिसाब के चार्जेस लगते हैं।
दुधवा नेशनल पार्क के अंदर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जिसे भी आप देख सकते हैं, म्यूजियम का डोर है, लेकिन फिलहाल म्यूजियम का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ रिपेयरमेंट वाला वर्क चल रहा है, इस वजह से म्यूजियम अंदर से बंद है तो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर आप कभी आते हैं तो आप म्यूजियम भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी सफारी दुधवा नेशनल पार्क की। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा किया हमने। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।